हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको ये मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एडाप्टर की आपको ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये एडाप्टर आपको अपने मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया है। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना है तो आप, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मोबाइल में सेटिंग करनी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेकेंड नंबर पर दिख रहा होगा ब्लूटूथ टेथरिंग, ब्लूटूथ टेथरिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको आ जाना है वेक, वेक आने के बाद आपको चले जाना है अपने कंप्यूटर पे। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में इंटरनेट किस प्रकार चला सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके लिए हमें क्रोम में जाना होगा और उसमें सर्च करना होगा यूट्यूब। तो मैं YouTube सर्च कर लेता हूँ। तो आपके सामने ये देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस वगैरह, ये आपको बता रहा है कि आपके पास आपका इंटरनेट अभी कनेक्ट नहीं है, ये बता रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। उसके लिए आपको जाना होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कट का निशान, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ओपन नेटवर्क, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाले सेट अप ए न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एंड में दिख रहा होगा पाँचवें नंबर पर कनेक्ट टू ए ब्लूटूथ पर्सनल ए आर नेटवर्क पेन, उसके आप इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ी देर में खुलने वाला है। तो आपके सामने देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में आपको, मेरा मोबाइल गैलेक्सी J2 है तो J2 आ रहा है। अगर आपका फ़ोन कोई भी हो, रेडमी, रियलमी, कौन सा भी, ओप्पो, वीवो, कौन सा भी हो, उसका नाम आ जाएगा। उस पर आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 नंबर पे दिख रहा होगा कनेक्ट यूजिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक गोला सा सर्कल सा फिरने लग जाएगा, सर्कल सा बनने लग जाएगा। उसके बाद में इसको कर देना है कट, पूरी तरह कट कर देना है। उसके बाद में हमें जाना होगा फिर से क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद ये देख सकते हैं आपके सामने ये खुलने लगा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये YouTube खुल चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बनता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।